हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ एक चैलेंज ब्लॉग विद माय कैमरा फॉर 24 आवर्स। मतलब बेसिकली मैं 24 आवर्स के लिए अपने कैमरे से शूट करूंगा, और इसको मैं एक चैलेंज क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को ऊपर चलकर बताऊंगा। तो पहले ऊपर चलते हैं। तो गाइस, मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ, और गाइस मैं इसको चैलेंज क्यों बोल रहा था वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं भी ब्लॉग कर रहा हूँ DSLR कैमरे से। मेरे पास कोई मिररलेस ब्लॉगिंग कैमरा नहीं है, ठीक है। तो DSLR मतलब ये देखो, ये मैं इस कैमरे से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इस वजह से इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और दूसरी साइड पे एक मिनट फ़ोन निकाल लेता हूँ, दूसरी साइड पे है ये फ़ोन, इससे ब्लॉग करना वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि देखो, ऐसे मैंने इसको ओपन किया, ये किया कैमरा ऑन, ये मैं इसको शूट करने लग गया, ठीक है। तो इसी वजह से अपने कैमरे से शूट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसे हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, जैसे अभी भी कब बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो ऐसे हाथ बहुत ज़्यादा पेन करता है, ऊपर से थोड़ा सा शफल होता रहता है, जैसे कि फ़ोन होता है, फ़ोन में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन होती है अगर थोड़ा सा हिलोगे, इसमें भी है जैसे कि, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि कैमरा थोड़ा सा लो बजट का है। इस वजह से इसमें इतनी एक मिनट हाथ दर्द होने लगा यार, तो साला सच में चैलेंज होने वाला है। तो फिर इस वजह से एक मिनट यार, तो फिर इस वजह से ये मेरे लिए एक चैलेंज की तरह होने वाला है। इसको मैं इधर रख लेता हूँ मनोज, हाँ अब सही है। तो फिर इस वजह से मेरे लिए चैलेंज की तरह होने वाला है, क्योंकि पूरा दिन ब्लॉग करना, वो भी कैमरे के साथ में। ऊपर से कभी बाहर निकलो ना, अगर कैमरे के साथ ब्लॉग कर रहे हो तो लोग इतना घूर घूर के देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही लेके आ गया हो। तो इस वजह से ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अगर आप पब्लिक में हो तो भी थोड़ा सा ऐसे संभाल के रखना पड़ता है कि यार ये लोग कहीं देख ना रहे। तो इस वजह से मैं तो फ़ोन भी बहुत कम निकालता हूँ अगर पब्लिक में होता हूँ, तो ये कैमरा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बाकी आज बाहर जाना भी है, थोड़ा सा काम है, हाँ, तो वीडियोस वगैरह शूट करने हैं। तो फिर देखते हैं आज का क्या बनता है, और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं शूट करने वाला हूँ दो लेंसेज के साथ में, एक मेरा ये लेंस है 50mm का, ये अभी आया हुआ है, और दूसरा लेंस जो इसमें लगा हुआ है वो है 1855 है, ये जूम लेंस है। इसको अल्ट्रा वाइड भी शूट कर सकते हैं, जैसे इस वक्त मैं अल्ट्रा वाइड पर शूट कर रहा हूँ तो पूरा कैप्चर हो रहा है। और अगर मैं ये वाला लेंस लगाता हूँ तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम एरिया कैप्चर होता है, तो मतलब मेरा इतना फेस आप लोगों को दिखेगा। तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ तब यूज़ करूँगा जब मेरे को सिनेमैटिक शॉट्स लेने होंगे। तो अभी फिलहाल सुबह हो चुकी है, और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए। तो पूरा दिन ब्लॉग करूँगा, चैलेंज होने वाला है मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, और काफ़ी सारे एंड में मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा कि पूरे डे के हिसाब से और अभी तक की मैंने जो भी ब्लॉग्स बनाए उन सबके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं आप लोगों को टिप दूंगा बहुत ही अच्छी सी, तो वो जरूर ध्यान रखना। तो वो टिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि अगर आप लोग ब्लॉग करते हो फोन से या फिर कैमरे से तो आप लोगों के लिए क्या इजी रहने वाला हो और क्या आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो दोस्त, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा, तो उसके लिए तैयार रहना। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। गाइस, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, काफ़ी ज़्यादा हैवी था, पेट एकदम भर गया है। और अभी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहला तो कि इस जो कैमरा है ये वाला मेरे पास, इसमें इनबिल्ट माइक है, बाहर से हम लोग लगा नहीं सकते हैं कोई भी माइक। वरना क्या होता है कि आप अगर बाहर से लगा लेते हो जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और मेरे केस में क्या है कि मैं बाहर से लगा नहीं सकता हूँ, तो इनबिल्ट आपको जैसी सुनाई पड़ रही है वो कैमरे की ही वॉइस है। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता दो, और ये मैं जब एडिट करूँगा तभी मेरे को समझ में आएगा कि कैसी आवाज़ आ रही थी और मैं किस तरह से बोल रहा था, इसमें किस तरह से सुनाई दे रहा था, ये सारा कुछ मेरे को बाद में जब मैं एडिट करूँगा तब समझ में आएगा। एडिट करते वक्त बहुत ज़्यादा फटती है क्योंकि इसकी क्लिप्स ना बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन सबको मर्ज करके एडिट करना। तो जब एडिट करूँगा तब तो फटने वाली है। खैर, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट करूँगा, जबकि बस उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट किया है तो तब तक कैमरे की बैटरी भी चार्ज पर लगा देता हूँ। और ये एक और प्रॉब्लम होती है, कैमरे की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन होती है। अगर आप लोगों को ब्लॉग सिर्फ कैमरे से ही करना है तो फिर आप लोग एक्स्ट्रा बैटरीज भी कैरी करना सीख लो, ठीक है, मंगा लो। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद मैं निकलूंगा बाहर, और तब तक कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ़ोन चला लेता हूँ। सुबह से कुछ इंस्टा पे अपडेट नहीं वगैरह वगैरह दिया है, तो हाँ अगर आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो
तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप लोग जाओ वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अभी धीरे धीरे मेरे को सोगैज मैं रेडी हो चुका हूँ और ऐसा कुछ आउटफिट है मेरा नीचे से ये ऐसे ऊपर, तो ये कुछ आउटफिट है मेरा, जा रहा हूँ बाहर कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। यार ये सब जब ब्लॉग शूट कर तो कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ वीडियोस वगैरह शूट करूँगा जाके, आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इंपॉर्टेंट बात कि मैं अपने हाथ से ऐसे कैमरे को पकड़े हुए हूँ, मेरे पास मिनी ट्राइपॉड भी था वो खो चुका है कहीं, पता नहीं कहाँ गया, अभी उसको ढूंढना बाकी है। बाकी मेरे पास ये बड़ा वाला ट्राइपॉड भी है लेकिन इसको ऐसे हाथ में पकड़ के घूम नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है कैमरा। देख लो गाइस सैड सॉन्ग चल रहे हैं अंदर, ये देखो फील आने के लिए सैड रील शूट कर रहे हैं हम लोग इस वजह से, और लोकेशन काफ़ी तगड़ी है देखो, जैसे कि आगे देख सकते हो आगे की लोकेशन ये साइड की, चला इधर से ये देख लो इधर की लोकेशन, थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज कर रखी इस वजह से थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, एडजस्ट कर दो एडिटिंग करते वक्त। हाँ अभी देखो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। हाँ तो ऐसी कुछ लोकेशन है, लोकेशन का काफ़ी तगड़ी है और शूट हो चुकी रील, बस आखिरी थोड़े से कुछ फोटोज़ इस आउटफिट में ऐसे देख लो इस आउटफिट में क्लिक करवानी है, तो वो क्लिक कराता हूँ फिर दिन निकलता हूँ। थोड़ा सा बाहर एक और सामान लेना है, वहाँ पे जाना है और उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। घर जाने से पहले थोड़ा सा सामान खरीदना है, वो खरीदेंगे जाके और पूरे शहर में थोड़ा सा घूमेंगे, बहुत दिन से निकले नहीं है घर से बाहर इस वजह से। यार माइक के ऊपर तो हाथ रखा है गया, तो फिर बाय बाय। तो गाइस आ गया हूँ घर पे और बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसीलिए कहीं पे ऐसे हैवी पहन के नहीं जाता हूँ कहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा लगता रहता है मेरे को, और गर्मी में तो स्पेशली काहे कर रहा भाई। हाँ तो स्पेशली गर्मियों में, ठंड में तो फिर भी मैं पहन लेता हूँ लेकिन ऐसे मतलब ठंड में क्या होता है पहन लेता हूँ ठीक है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती मुझको, इस वजह से मैं हमेशा हाफ टी शर्ट और लोअर पहन के निकला करता हूँ। तो ऐसे कभी कभी शूट वगैरह करना पड़ता है कुछ, तो फिर ऐसे नीचे बहुत ज़्यादा पहन के जाना पड़ता है, बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो फाइनली घर पे आ चुका हूँ अभी और अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए, भूख लगाई बहुत जोर से, पानी तो बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, तो सबसे पहले कुछ खा पी लेता हूँ और अपना जो सामान है इधर उधर पड़ा हुआ है ये सारा लेके आऊँ साथ में, वो सब इधर उधर लगा देता हूँ उसकी जगह पे रख लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली हो चुका हूँ एकदम फ्रेश और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी, और टाइम हो चुका है अभी ये देख लो, एक मिनट जूम कर लेता हूँ, ये ब्लर बड़ी समस्या होती है यार। हाँ 2:30 हो चुकी है, तो गाइस 2:30 हो चुका है और अभी पूरा दिन हो चुका है मैं ऐसे कैमरा पकड़े पकड़े परेशान हो चुका हूँ। ठीक है वो तो अच्छा है कि मैं ट्राइपॉड का यूज़ कर लेता हूँ इधर उधर, तो थोड़ा सा कम पकड़ना पड़ता है, बाकी ऐसे जो व्लॉग करता है भाई कैमरे से उसके लिए हैट्स ऑफ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो बंदा, तो उसको सपोर्ट करो, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले इसकी बैटरी चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। ठीक है बाय।